आज ग्राउंड जीरो की शुरुआत करते हैं शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के हवाले से एक बड़ी खबर से। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के विचारों का स्वागत किया। इस समय की बड़ी खबर, मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि मैं भी मानता हूं कि सबका डीएनए एक है। संघ प्रमुख का बयान समाज को जोड़ने वाला है, ये कहा है शिया धर्मगुरु ने। भागवत के बयान से समाज में नफरत कम होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मैं दो बार मिल चुका हूं, इस बात की भी जानकारी दी है मौलाना कल्बे जव्वाद ने। तो सुनिए मौलाना कल्बे जव्वाद का वो इंटरव्यू। हमारे साथ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल एक बड़ी बात कही, उन्होंने हिंदू मुसलमानों के रिश्तों पर अपनी बात कही और ये कहा कि अगर कोई हिंदू ये कहता है कि मुसलमान नहीं चाहिए या मुसलमान बाहर जाएं तो वो हिंदू नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे भागवत जी से दो मरतबा मुलाकात हो चुकी है और हमने देखा कि उनकी शख्सियत बहुत ही अच्छी शख्सियत है और कभी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही हमारे इल्म में नहीं कि जिस पर आपस में नफरत फैले हो, और उन्होंने कभी भी किसी हमारे निगाह में नहीं कि उन्होंने कोई किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई उन्होंने बात कही हो, तो हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और उनको उनकी जैसी बड़ी शख्सियत को ऐसा बयान देना ही चाहिए क्योंकि इस वक्त वो आरएसएस के चीफ़ हैं और आरएसएस जो है पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, तो उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ये बनती है कि यहाँ सबको जोड़े आपस में। आपको लगता है कि मोहन भागवत साहब सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं? हाँ, ये जो जुमले कहे हैं इससे आपस में लोग जुड़ेंगे, आपस में जो है नफरतें कम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मॉब लिंचिंग के बारे में उन्होंने बात रखी और उन्होंने कहा कि जो ऐसा करते हैं ये हिंदुत्व के खिलाफ है, मॉब लिंचिंग करना, किसी की जान ले लेना। देखिए, हिंदू धर्म जो है वो बहुत ही उदारवादी धर्म है, वहाँ तो एक आप चिड़िया को नहीं मार सकते, उसमें आप किसी भी जीव हत्या जो है वह खास तौर से मना है। जहाँ चिड़िया नहीं मारी जा सकती हो, जहाँ जानवर नहीं मारे जा सकते, वहाँ इंसान की जान कैसे लेना जायज़ हो सकती है? जैसे उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी, बिल्कुल जो है हिंदुत्व की जो थ्योरी है और जो जो वहाँ के उनके देवी देवताओं की जो तालीमात हैं उसके लिहाज से बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि जहाँ एक किसी मामूली से जानवर की जान लेना जो है गुनाह हो, तो वहाँ एक इंसान की जान लेना कितना बड़ा गुनाह होगा। आपको लगता है कि संघ प्रमुख की इन बातों का सही मैसेज गया है सोसाइटी समाज में? बिल्कुल, बहुत सही मैसेज गया है और हम जो कुछ भी उन्होंने बातें कही हैं हम उनका इस्तकबाल करते हैं, और लेकिन उनसे दरख्वास्त यही है कि वो कोशिश करें कि इसको हम पूरे हिंदुस्तान में मनवाएँ, और वो मनवा सकते हैं, वो आरएसएस के चीफ हैं, लिहाजा उनमें इतनी ताकत है कि वो इसको मनवा सकें। और उन्होंने कही है कि सबका डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक है। जी, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि जनाब आदम के लिहाज से हम मानते हैं जो पहले इंसान आए थे उन्हीं से पूरी दुनिया की नस्ल चली है। अब जो हिंदू है वो भी जनाब आदम की औलाद है, जो ईसाई है वो भी जनाब आदम की औलाद है, जो मुसलमान है वो भी जनाब आदम की औलाद है। तो अगर देखा जाए तो बाप और माँ एक हैं, तो जब बाप और माँ एक है तो डीएनए भी एक है। आपसे आखिर में और पूछना है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो काफ़ी आरएसएस प्रमुख के बयान पर उनकी मुख्तलिफ राय है, वो इसकी खिलाफत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके लोग ही तो ये सब करवाते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, ये सारे बयान जो हैं ये किसी काम के नहीं हैं, ये कोई ठोस बयान नहीं है। सियासी पार्टियाँ भी जो विरोधी हैं वो इसकी मुखालफत कर रही हैं, तो उनके बयानों पर क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, ऐसे बयान कोई भी अगर देगा तो अच्छा नहीं है कि जिससे नफरत फैले। तो मौलाना कल्बे जव्वाद साहब साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मोहब्बत फैले, भाईचारा फैले, ऐसे बयान देने चाहिए, और आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनसे बारे में भी उन्होंने कहा है कि उनके विचारों का इस्तकबाल करते हैं और अहम बात कही है कि वो इनको लागू करवाएं, इनको मनवाएं, ताकि जो बातें वो कह रहे हैं उसी बात पर हर कोई चले। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।